रुपया मेरा बैंक से चोरी हो गया, चोरी हो गया तो इंक्वायरी आया, हम लोग बोले कि हम लोग पैसा नहीं लिए हैं, ये सब खेल खेल रहा है सीएम। ग्रुप से पैसा 3.5 लाख टका उठा लिया, हमको मालूम नहीं है, यहाँ घर पर आया चेकिंग करने लिए तो हम लोग रजिना का मुंह देखने लगे, कहा हमको मेरा खाता है। मामला डगरवा प्रखंड के चांद भाटी गांव के वार्ड नंबर 6 की है। बताते चले कि ग्रुप 10 साल से चला रहे थे जीविका दीदी, वही 2 महीना पहले की यह घटना है कि जीविका ऑफिस पूर्णिया से कुछ सर चांद भाटी गांव पहुंचे और वहीं जीविका समूह के 11 महिलाएं जीविका समूह चलाते थे। उसी ग्रुप के महिलाओं से ऑफिस के सर उससे 3.5 लाख की राशि लेने पहुंचे, जबकि जीविका दीदी को पैसा मिला ही नहीं था। वही पूर्णिया जीविका ऑफिस से जो सर आए हुए थे उसने महिलाओं को धमकी भी दी कि घर से उठा लेंगे अगर तुम लोग पैसा नहीं दिया तो। वही जीविका दीदी जब डगरुआ थाना में FIR करने गई तो वहां प्रशासन उसका आवेदन नहीं लिया, कहा कि आप बैंक में पता कीजिए, और वहीं जिला पदाधिकारी के पास भी आवेदन दिया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। जीविका दीदी न्याय के लिए परेशान है। ग्रुप का मामला है। हाँ। कब से ग्रुप चला रहे हैं? ये चला है 10 साल से। 10 साल से क्या अभी मामला जो 10 साल से चला है कोई मामला अभी क्या मामला आ गया है ग्रुप चलाने में? इधर से 2 महीना से हुआ। क्या मामला 2 महीना से हुआ? 2 महीना से 3.5 लाख टका उठा लिया, घर पर आया था यहाँ चेकिंग करने से तो बताया पैसा उठाया, हम लोग पैसा नहीं उठाए हैं तो कौन उठाया? ये कौन बोला कि 3.5 लाख रुपया उठा लिया? पूर्णिया से आया था ऑफिस से, जीविका ऑफिस से आया था। वो क्या बोले कि पैसा उठाए हैं आप लोग 3.5 लाख रुपया, हम लोग नहीं उठाए हैं टका। हाँ। तो टका जमा करिए। क्या नाम है उसका, नाम जानते हैं? ना, नाम नहीं जानते हैं उसका, नाम नहीं जानते। और आप लोग जो 3 लाख रुपया ये आप पे और कुछ पे प्रेशर डाला कि आप लोग पैसा जो उठाए हैं कुछ मीटर और धमकी देता है? क्या धमकी देता है कि पैसा आप लोग उठाए तो पैसा दीजिए, जमा करिए, कहे जमा करिए? जीविका ऑफिस जो सर आए थे वही आपको धमकी दे रहा है? क्या कह रहा है कि पैसा आप लोग सर 3 लाख उठाए तो पैसा जमा किए तो हम लोग उठेबे नहीं किए तो कैसे जमा करें? जमा किए। और भी कोई बात कर रहा था आपको? नहीं और कोई बात नहीं, यही सब बात है। थाना में भी आप लोग FIR किए? थाना में गए, थाना में आवेदन किए तो थाना वाला बोलते नहीं नहीं लेंगे, अभी तक जहाँ है ग्रुप जो है वही जाइए, बैंक जाइए, यहाँ नहीं लेंगे। थाना में सीधे नहीं लगाने रहा, तब जब राम देख तब कहे तब यहाँ धर दीजिए, वहीं पर ले जा करके दे दिया, चला आइए। तो अभी तक कोई आदमी नहीं आया कि थाना से अभी तक यानी कोई नहीं, नहीं, नहीं। आप जो यहाँ से आवेदन लिख के गए वो भी आवेदन नहीं लिया? नहीं, कोई भी नहीं। आप बताइए क्या है पूरा ग्रुप का मामला है? क्या है ग्रुप का मामला है? यहाँ जीविका दीदी का और कोई भी यहाँ संग चलती है? हाँ चलती है, सबको रोज धमकी देता है कि रहरम बाद है सभी का कहाँ से 3.5 लाख उठा है की कर रहा है, रोज हमारा धमकी देता है, यहाँ थाना में आवेदन देता है, सर नहीं लगा, वैल्यू नहीं लगाता है, धमकाता है। ऑफिस से जो आते हैं लोग सिर्फ धमकाते हैं और भी कुछ कहते हैं? अभद्र गाली गलौज भी करते हैं या कुछ? गाली गलौज नहीं किए हैं और भी कुछ? गाली कहता है कि पैसा जमा करिए, जमा नहीं करिएगा तो आदमी उठा लेंगे, हाई कर लेंगे। आपको आपको जो वहाँ से आता है जीविका ऑफिस से आता है जो आपको अगर कहते हैं पैसा जमा कीजिए नहीं तो आपको उठा लेंगे? हाँ यही बात है। आप लोग इस मामला में थाना भी गए थे जो थाना में आवेदन देने इंक्वायरी नहीं करता है, कुछ नहीं करता, आप बोलिए। थाना वाला आवेदन नहीं लिया आपका? नहीं लमा लागली किस से, तब जा बोली वहां पर दिए। कौन बैंक से टका उठा निकला था बताएं जो अभी? कौन बैंक से टका निकला था? कोसिंग ग्राम बैंक से। आप बैंक गए वहाँ स्टेटमेंट जो आया था यहाँ पैसा के लिए उसको बोले सर आप स्टेटमेंट दिखाइए पैसा जो मेरा अकाउंट में दिए, क्या बताए वो?
वो बताया कि पैसा उठाए है तो पैसा जमा कीजिए। हम लोग अचानक भटका गए कि कहाँ से हम पैसा जमा करेंगे, पैसा तो लेबे नहीं किए हम लोग, ये बात कहाँ से फैल गया। उसके बाद जो सीएम है, सीएम क्या है यहाँ का, रजीना खातून, रजीना खातून यही की सीएम है। कौन सा वार्ड में पड़ती है वो सीएम? 11 की। वो आपको अभी आके कुछ कह के जाते हैं सीएम? अभी क्या कह के जाएगा कि हम जो आवेदन दिए हैं जहाँ जहाँ परमानेंट कर दीजिए और हम लोग पैसा जमा कर। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का क्या मांग है? आप पैसा जो 3.5 रुपया नहीं लिए हैं, 3.5 लाख रुपया, आप लोग को क्या मांग है? आप पैसा नहीं लिए, आप पे गलत यानी कि इंजाम डाल रहा है, तो आप लोग का मांग भी होगा ना। हम इसमें नहीं, आप प्रतिनिधि हो यहाँ का, जो प्रशासन हो या आप बिहार सरकार हो, किसी से मांग करना चाहते हैं? हम जब गलत किए नहीं और हम पे इंजाम लग रहा है, उसका क्या विचार होना चाहिए? उसका विचार वो नहीं बताता है, वो बोलता है कि हम न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए इसका, यानी आपको न्याय चाहिए। चलिए ठीक, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नाम क्या हुआ? रंभा देवी। आपका नाम क्या हुआ? संतरा देवी। इसी ग्रुप में आप लोग हैं? हाँ। आप लोग इस ग्रुप में कितना आदमी लोग हैं? 11 आदमी हैं। दो आदमी खत्म हो गए। आपका क्या नाम हुआ? बिजली देवी। आपका? ग्रुप आप लोग कब से चला रहे हैं? इस ग्रुप में जो आप ज्वाइनिंग हुए, कब से ग्रुप चला रहे हैं? 10 साल से जो चला रहे हैं। कभी इससे पहले आपको कभी टॉर्चर हुआ कि आप पैसा लेके बैठ गए हैं? नहीं हुआ। ये फर्स्ट बार है? फर्स्ट बार। और ये कब आपको, जब वहाँ से जो जिस ग्रुप से आप काम करते हैं ऑफिस से, आपके पास लेटर कब आया कि आप पैसा लेके बैठ गए हैं? कितना दिन मामला कब हुआ? 2 महीना का मामला है ये। और 2 महीना के बाद जो आप वहाँ से जो आवेदन आया कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, पैसा ले, क्या किए? यही मुद्दा है। ये मुद्दा जो आप पैसा लिए, तो वो जो आया उसको आप क्या बोले? जो पैसा लिए तो नहीं लिए हैं, तो वो आपको क्या बोल के गए? जो पैसा आप नहीं लिए, जो वो आके यहाँ तो कुछ बोले, क्या बोल के गए? ठीक, आप लोग स्थानीय थाना में आवेदन दिए थे कि हम लोग पे ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है? थाना में आवेदन दिया, क्या बोले? थाना वाला आए थे? नहीं आया था थाना वाला, नहीं पेपर में भी दिया था ना? पेपर वगैरह में कोई चीज नहीं, पेपर में दिए थे ना? हाँ, पेपर में दिए थे। कब की घटना है ये जो घटना है, कब की घटना है? दो महीना हो गया। क्या नाम हुआ आपका? रंभा देवी। बताओ लगे दूसरा आदमी, आप बताइए क्या मामला था? कट किए हैं पहले मामला, ये बोलो क्या मामला है? मामला है ग्रुप का, ग्रुप से पैसा 3.5 लाख रुपया उठा लिया, हमको मालूम नहीं है। यहाँ घर पर आया चेकिंग करने लिए, तो हम लोग रजीना का मुंह देखने लगे, कहा हमको मेरा कहता है तो मुँह सर कहता है उसका मुंह कहाँ देख रहे हैं, तो देख करके वो बस चल गया कि चंचला देवी है कि कहाँ है, तो इधर उसका वहाँ गया, उसका वहाँ जाने के बाद तो वहाँ उसके लेकर यहाँ आया, तो रजीना को खोजने ग्रुप यह है कि 3.5 लाख रुपया उठा लिया है, बैंक से चोरी है गले, और हमरा सने यहाँ डाले गए कि हम बाध लीजिए कि टका से उठल की है, हम कहिए हमारा टका नहीं उठलान है कि नहीं, तोरे सने टका उठेलन है, टका उठा के तोरा सने की कर लें, बोले हम ऊपर टका नहीं उठेली है, नहीं जाने बोल छी नहीं तोरा सने टका उठेलन है, बोली के बात बोला कि टका नहीं उठेलन है, मैनेजर साहब बात बोली धमका चमका के गेले के बोल रहे हैं, बात के बोल रहे कि मैनेजर यहाँ पर अथी अल ललित जो है कहाँ का है? ये ऑफिस से आए थे या गांव का ही है? इसी पंचायत के आदमी ललित है। गाँव से आ रहे हैं, बात कैसी रात के उठा लेंगे तो है कर लेंगे, सबको हमारा जल्दी से क्रॉस करिए, है करिए, यानी कि धमकी दे रहा आपको, अगर आप इस मामला को नहीं देख रहे हैं तो हम आप पे यानी कि धमकी दे के रात में उठवा देंगे, नहीं तो आप कंप्रोमाइज कीजिए और पैसा जमा कीजिए, यही बात है। आप स्थानीय जो यहाँ का अभी मुखिया है, आप उससे बात किए इस मैटर पे?
नहीं किए बात। रुपया मेरा बैंक से चोरी हो गया, चोरी हो गया तो इंक्वायरी आया, हम लोग बोले कि हम लोग पैसा नहीं लिए हैं, ये सब खेल खेल रहा है। सीएम 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 के है यहाँ का रजीना, यहीं के हैं, यहीं का है। क्या बोल रही है वो, बोलेगा क्या वो चोरी किया तो क्या बोलेगा, हम लोग का चोरी किए हैं, चोरी का काम किया, उस पर जब चारों तरफ आवेदन दे दिए धीरे धीरे पैसा जमा किया। जब आपके पास जब नोटिस आया ऑफिस से, जीविका ऑफिस से, तो आप लोग थाना में एफआईआर किए इस बात पे, हम लोग सर पैसा नहीं लिए हैं, हम लोग वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आवेदन दिए आप थाना में, आवेदन जो दिया उस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई किया? नहीं आया अब तक कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया है, या थाना बुलाया गया आप लोग को? ये भी नहीं हुई है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।